नमस्कार। आज हम रीढ़ की हड्डी ये चैप्टर जो है इसके वन लाइनर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको सभी को पता है कि अभी जो न्यू पैटर्न है उसमें इसी तरह के प्रश्नों को बढ़ा दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, उमा ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? उसने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वह है ये वाला। और अगर आपको जवाब पता है तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी बताते जाइए, जिससे आपका भी रिवीजन होता जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद अपने लड़के के लिए कैसी पत्नी चाहता है? कैसी पत्नी चाहता है? वह चाहता है कि उसकी पत्नी कम पढ़ी लिखी हो। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की वह नहीं चाहता है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? अभी यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं उन्होंने यह एकांकी लिखी है। एकांकी किसे कहते हैं? जिसमें एक अंक होता है, जिसमें जिस नाटक में एक ही एक्ट होता है उसे एकांकी कहा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था सन 1917 में। आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य क्या है? लड़कियों की उपेक्षा को व्यक्त करना, कि किस प्रकार से लड़कियों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। फिर से क्वेश्चन आता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में नायिका कौन है? तो नायिका यहाँ पर उमा है। उमा नाम की लड़की जो है नायिका है यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न आएगा, उमा को देख करके गोपाल प्रसाद और शंकर क्यों चौंक पड़ते हैं? क्यों चौंक जाते हैं वो? क्योंकि उसे चश्मा लगा हुआ है। यहाँ पर चश्मा जो है उसे लगा हुआ है, तो ये सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आ रहा है कि उमा गाते गाते क्यों रुक जाती है? तो उसने शंकर को पहचान लिया था इसलिए वह रुक जाती है। फिर, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? यह प्रश्न उमा से किसने पूछा? यह पूछा था गोपाल प्रसाद ने। फिर प्रश्न आ जाता है, उमा की माँ का नाम क्या है? तो उमा की माँ का नाम है प्रेमा, प्रेमा नाम है उसका। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, रामस्वरूप के अनुसार पाउडर का कारोबार किसके सहारे चलता है? तो कहते हैं कि लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चलता है। प्रश्न आ जाता है कि शंकर किसका बेटा है? तो शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है, जो उमा को देखने के लिए यहाँ पर आता है। रामस्वरूप के नौकर का नाम रतन है, जिसमें यदि आपने कहानी में पढ़ा भी होगा तो वह बाजार जाता है बटर खरीदने के लिए, जब शुरू में ही नाटक शुरू होता है तब। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, उमा के पिता का नाम क्या है? तो रामस्वरूप नाम है उनका। उमा को देखने के लिए आए हुए लड़के का नाम शंकर है ही, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो शंकर किसका बेटा है? यहाँ पर गोपाल प्रसाद का वह बेटा है। यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में हुआ था और रीढ़ की हड्डी एकांकी का लक्ष्य जो है लड़कियों की उपेक्षा को व्यक्त करना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में नायिका जो है उमा है। रीढ़ की हड्डी क्या है? एक एकांकी है ये, और रीढ़ की हड्डी कैसी एकांकी है? व्यंग्यात्मक, जिसमें व्यंग्य किया गया है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें देखो व्यंग्यात्मक एकांकी है यह। उसके बाद ये वाला प्रश्न आ रहा है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर उन्होंने जगदीश चंद्र माथुर ने यह लिखा था। उसके बाद हमारा प्रश्न आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिए थे ये वाले प्रश्न। इसके अलावा आपको किसी चैप्टर के भी MCQ पढ़ने हैं तो आप मुझे बता दीजिए। और सभी बच्चे जो हैं बुक्स के नाम पूछते हैं तो आपको MBD मार्केट में मिल जाएगी, MBD में। लेकिन आपको कृतिका क्लास 10 की बात चल रही है यहाँ पर, कृतिका के नहीं मिलेंगे।
जो MCQ हैं वो सारे मैंने चैनल पर बना करके अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर से देख सकते हो। और जिनको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप MBD ले सकते हो, लेकिन रिवीजन के लिए आप यहाँ पर मुझे जवाब दिया करें। MBD आप कंसीडर कर सकते हैं, मार्केट में आपको शायद अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन की वजह से मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।